नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आल स्पेशल क्लासेस में। तो आइए देखते हैं, आज हम 9 नंबर प्रश्न सेट, 9वां प्रश्न सेट है हमारा बायोलॉजी का। तो इसमें टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी एंड सुपरटेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन आंसर जो हमारे बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न सेट 9वें का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बर्गर की का पितामह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कार्ल बार्न लीनियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो इसका औसत पहला ऑप्शन है 1:1200, दूसरा ऑप्शन है 1:700, तीसरा ऑप्शन है 1:1000 और चौथा ऑप्शन है हमारा डी 1:500। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1:700। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 58 बार, 67 बार, ऑप्शन सी है 72 बार, ऑप्शन डी है 90 बार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो ऑप्शन है एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए स्टार्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य कौन सा? ऑप्शन ए शरीर का ताप नियंत्रित होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरीर का ताप नियंत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, ओजोन छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन परत में छेद, ऑप्शन बी ट्रॉपोस्फीयर में ओजोन परत की कमी, ऑप्शन सी है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी, ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर में ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? ऑप्शन ए 500 मिमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 500 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी शर्करा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, आधुनिक अनुवांश की का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए ग्रीगर मेंडल, ऑप्शन बी वाटसन और क्रेक, ऑप्शन सी विलियम बेटसन, ऑप्शन डी कॉर्नबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी बसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है सब ट्रॉपिक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सब ट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13वां हमारा सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी एमो, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी क्लो। तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए केचुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? ऑप्शन ए है अस्थि मज्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मेन है? ऑप्शन ए क्रेफिश, ऑप्शन बी कटल फिश, ऑप्शन सी फ्लाइंग फिश, ऑप्शन सी डी सिल्वर फिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? ऑप्शन ए सूकर, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी बकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ऑप्शन ए भूतल की ऊंचाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूतल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन ए मादा हाथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ऑप्टिक पाली, ऑप्शन बी द्राणेन्द्रिय पाली, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्राणेन्द्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए द्विलैंगिक, ऑप्शन बी उभयलैंगिक, ऑप्शन बी उभयलिंगा स्त्री, ऑप्शन सी पृथक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उभयलिंगाश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, मटर पौधा है? ऑप्शन ए साग, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी जाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है, आर्कियोप्टेरिस है? ए है जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन बी है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन सी है ट्राइएसिड तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप, ऑप्शन डी है ट्राइएसिक काल का सरीसृप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा रहता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, कौन सा विटामिन खट्टे फलों
में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर। ट्राइकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? ऑप्शन ए आँख। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है? ऑप्शन ए गोरिला, ऑप्शन बी चिंपांजी, सी ओरांगुटान, ऑप्शन डी हुलाग गिम्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हुलांग गिम्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए यकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए है पित्ताशय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरसंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी ऑक्टर, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी पेंगुइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 अर्थात 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर। अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जीन का सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किया था? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन बी क्रिक मैंडल ने, ऑप्शन सी आर्थर कॉर्नबर्ग ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आर्थर कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर। कैल्प प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लाइकेंस से, ऑप्शन बी समुद्री शैवाल से, ऑप्शन सी जलीय शैवाल से, ऑप्शन डी शैवालों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रीय शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। मनुष्य में ऐच्छिक गलतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमोनिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमोनिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।